हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अली और आज की वीडियो दोस्तों हमारी, ये देख सकते हैं मेरी, मैंने कॉलोनी बनाई है एक, और मतलब कॉलोनी के ऊपर एक कॉलोनी बनाई है। और बाकी जिस कॉलोनी में मेरा लखा पालता हूँ, इस लखा को मैं दूसरी जगह छोड़ने वाला हूँ। और बाकी देख सकते हैं मैंने कॉलोनी बनाई है, और बाकी देख सकते हैं डबल जाली मैंने लगाई है, और अंदर से मैंने ये सेटअप बना रखा है, ये देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले नई दोस्तों से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आपने एक कॉलोनी देखी, अब नीचे का बचा है मेरा ये वाला हिस्सा, तो इसमें मैं स्लाइडिंग बना दूंगा, मतलब प्लाई की एकदम, जैसे कोई दाना ऊपर से गिरेगा तो इस प्लाई पान करोगे और मैं उसको खिसका सकूँ ये वाली। और नीचे जाबा हो गए मेरे, ऊपर मैं कनूर पालूंगा। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड में खिड़की भी लगी है यहाँ पे। और ये जो कबूतर है मेरा लखा कबूतर, इसको मैं जो दूसरी मेरी बजरी की कॉलोनी जिसमें आपको दिखा दे रही होगी सामने, जिसमें मैंने लोटिनो और वाइट बजरी पाल रखी है, वो वाली जितनी बजरी मैं सब यहाँ ला के छोड़ने वाला हूँ इस कॉलोनी में, और ये लखा कबूतर उस वाले कॉलोनी में छोड़ने वाला हूँ। और ये कॉलोनी खाली हो जाएगी तो मैं बड़ी कॉलोनी में बड़ा कॉलोनी बनाऊँगा पेवर वाइट और लोटिनो की, तो पकड़ के लाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कुछ बजरी पकड़ के ले आए हैं, 7 जोड़ा हैं ये हमारे पास, और इन 7 जोड़ों को इस कॉलोनी के अंदर छोड़ लूँगा, और बाकी कॉलोनी और बढ़ाने वाला हूँ मैं, क्योंकि अभी जो है मेरे पास छोटी कॉलोनी है, जितनी भी लोटिनो होंगे वाइट होंगे मैं पट्टे निकलने वाले हैं, तो मैं सारे रोकने वाला हूँ। और देख सकते हैं माशाल्लाह कलर बहुत ही शानदार है, और मैं चाहता हूँ कि कॉलोनी मेरे पास समथिंग 30-35 पेयरों की बिल्कुल पेवर वाइट और लोटिनो, जिसे हम बोल सकते हैं पीला, इसको पीला बोल सकते हैं, तो वो रखने वाला हूँ। और कॉलोनी का साइज माशाल्लाह बहुत ही शानदार है, आपको मैं बताऊँ कॉलोनी का साइज क्या है। ऐसे में चौड़ाई इसकी 4 फीट है, और हाइट लंबाई जो है वो 6 फीट है, हाइट तो 7.5 फीट है ही, 7.5 फीट हाइट है, और साइज काफ़ी अच्छा है, और बजरी अभी मेरे पास कम है। कुछ मैंने ये बॉक्स लगा रहा है, ऐसी लगा दी हैं, कुछ अंडे मेरे ऐसी खमा खा दे रही थी फीमेल हैं, तो फिलहाल में मैंने 2 बॉक्स लगा दिए हैं, वो तो बाखिर बात की बात है, अंडे आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे जब भी ठीक है। और ब्रीड तो हमें अगले साल ही लेनी है, और बाकी यहाँ का जो खिड़की वगैरह है वो आपको मैं एक बार सही से चेक कराता हूँ। तो ये देख सकते हैं यार पूरा हो गया, डबल जाली लगा रखी है मैंने, जब कनूर छोड़ूंगा तो इसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो इस सेट में देख सकते हैं खिड़की है, और इस सेट से काफ़ी अच्छी धूप आती है, और हवा भी काफ़ी शानदार आती है, ये देख सकते हैं कितनी शानदार हवा चल रही है, और वहाँ से खिड़की से इधर को बहुत हवा आती है। और बाकी कूलर वगैरह चलता है मेरी कॉलोनी के अंदर चलते रहते हैं, इस टाइम गर्मी शुरू हो गई है। और बाकी इसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाता हूँ मैं, अभी मैंने लगाया नहीं, ज़्यादा मौसम जो है ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। तो ये दोस्तों हमारी वीडियो थी, आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, खुदा हाफिज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।